नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जानते हैं कि एचपी या कॉम्पैक के लैपटॉप का, जैसे अपन चिप लेवल काम करते हैं, तो बायोस कैसे बनाते हैं। जनरली जो ईएक्सई बायोस होता है, ये सिर्फ सिस्टम ऑन होने पर ही वर्क करता है, जब आपकी विंडो रनिंग पर होती है। और जब हमको बायोस की ज़रूरत पड़ती है, बायोस कॉपियर से राइट करना होता है, तो उस कंडीशन में कई बार बायोस हमको नहीं मिल पाता। तो आज हम देखेंगे कि बायोस को बनाते कैसे हैं, मतलब मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं। जैसे ये एक्सी बायोस अपन ने डाउनलोड किया एचपी की वेबसाइट से, फिर उसके बाद उसमें क्या चेंजेस किए जाते हैं कि वो एक बायोस फाइल बन जाती है। तो देखते हैं उसके लिए करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले आप एचपी की वेबसाइट से उसका एक्सी बायोस डाउनलोड कर लीजिए, जो जिस पार्टिकुलर मॉडल का है। जैसे मैंने अभी एक बायोस डाउनलोड किया है HP Pavilion G4 का 1303 AU का BIOS फाइल, ये AMD प्रोसेसर के लिए है। और इसके साथ ही BIOS डाउनलोड करने के बाद मेरे जो मदरबोर्ड में चिप लगी हुई है, उस चिप को निकाल करके मैं BIOS कॉपियर के द्वारा रीड करके यहाँ पे मैंने स्टोर करके उसको रख लिया है। तो ये मेरी ओरिजिनल चिप की BIOS है और ये मेरी डाउनलोड की हुई BIOS है। अब देखते हैं कि इनमें चेंजेस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये जो मेरी बायोस है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा विनरार के थ्रू या यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो देखते हैं कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसमें क्या मिलता है, ये भी देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस HP की और डाउनलोड की हुई बायोस को एक्सट्रैक्ट करते हैं विनरार के द्वारा। और यदि इससे नहीं होता, ऑप्शन नहीं आता, तो आप यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। इस TXC BIOS को डाउनलोड की हुई BIOS को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो फोल्डर ओपन हुआ है, इसमें इतनी सारी फाइलें हैं, पर पता कैसे लगाएंगे कि आप BIOS फाइल कौन सी है। तो BIOS फाइल ये चारों हैं, क्योंकि ये बिन फॉर्मेट में है। BIOS फाइल बिन फॉर्मेट, FD फॉर्मेट या ऐसे किसी WF फॉर्मेट में ऐसे रहती है। तो यहाँ पे सभी का साइज़ अपन चेक कर लेते हैं, सभी के साइज़ में भी बराबर हैं। मतलब ये चार BIOS की फाइलें दी हुई हैं, एक के बाद एक अपग्रेड, जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं। जैसे BIOS में कई बार हो जाता है, अभी ये वर्जन आया, फिर उसका अगला वर्जन आया, फिर उसका अगला वर्जन, एक ही BIOS के कई वर्जन होते हैं। तो इसमें सबसे लेटेस्ट वर्जन अपन इनमें से चारों में से कोई भी फाइल को राइट कर सकते हैं, बशर्ते हमें ये ध्यान में रखना होगा कि साइज सेम होनी चाहिए। जैसे कि मैं चेक करता हूँ इसकी साइज़, तो इसकी साइज़ कितनी है, इसकी साइज़ है 2.18 MB। और हमको MB के साथ साथ KB पर भी ध्यान देना है, 2294.656 बाइट्स की ये फाइल है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले अपनी पुरानी जो ओरिजिनल BIOS कॉपियर के थ्रू रीड की गई फाइल है, उसका पहले अपन साइज़ चेक कर लेते हैं। तो ये फाइल कितनी है, ये फाइल है हमारी 2 MB की, 2,97,152 बाइट की फाइल है। और ये जो डाउनलोड की हुई फाइल है, ये फाइल है आपकी 2.18 MB की। अब चूँकि ये जो डाउनलोड की हुई BIOS फाइल है, तो ये 0.18 MB ज़्यादा बड़ी है, तो अब इसको ये जो बाकी के जो फालतू डाटा है, इसको निकालेंगे कैसे, तो ये भी देख लेते हैं। इसको BIOS बनाने के लिए हम यूज करेंगे हेक्स एडिटर सॉफ्टवेयर, और उस पर देखते हैं कैसे हम जो इसके ये 18 MB इसको बाहर करके इस साइज़ की BIOS बना देते हैं यहाँ पे। वेल फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ हेक्स एडिटर को, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। और यहाँ पर रखने के बाद मेन्यू फोल्डर को ओपन करता हूँ, ये मैं निकाली हुई जो मेरी BIOS कॉपियर से मैंने रीड कराया था, उस फाइल को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और ड्रैग करके इसे यहाँ पे ला देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से खुलेगा कि आपका ऑक्टल डेसिमल वैल्यू के हिसाब से ऐसा खुलेगा ये।
तो आप देख सकते हैं किस तरह खुला हुआ है। ऐसे ही सेम ये तो मेरा ओरिजिनल बायोस था जो कि मैंने निकाला था, और जो मैंने HP की वेबसाइट में डाउनलोड करने के बाद इसे एक्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ चार बायोस की फाइलें आई हैं। तो इनमें से किसी को भी आप उठा के ऐसे ड्रैग करके यहाँ पर रख सकते हैं। तो पहले ये एक था, अब ये कितने पेज हो गए, दो पेज हो गए। चूँकि ये ओरिजिनल बायोस का फाइल है तो मैं इसका फ्रंट एंड देख लेता हूँ। फ्रंट एंड इसका है, इसका है फ्रंट एंड 8x0, ठीक है। और बैक एंड भी चेक कर लेते हैं अपन, तो बैक एंड है 00F001 4TF0। ऐसे ही सेम वैल्यू जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ बायोस है उस पर भी होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, वैल्यू तो जो शुरुआती वैल्यू है 80 की वो तो सही है। यहाँ पे भी कैरेक्टर में कुछ चेंजेस हो जाएँ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसा बायोस करप्ट हो जाता है तो बायोस की फाइलें मिटती नहीं हैं, उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जिस कारण से वो काम करना बंद कर देती है और साइज उतनी ही रहती है जैसा कि अपन डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि हम इसको काटेंगे कैसे। ओके वेल फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने इसका फ्रंट एंड चेक कर लिया था अपनी ओरिजिनल बायोस का, ये डाउनलोड की हुई है ओरिजिनल बायोस है, ओरिजिनल बायोस का फ्रंट एंड ये है 8x0 और एंड एंड ये है इसका 001 4TF0। अब यही 4TF पर हमको नए बायोस में जाना है, तो ये वैल्यू को ध्यान में रखिएगा आप, 001 4TF0। फिर आप नई बायोस के पेज पर जाएंगे, यहाँ से आप सर्च में जाएंगे गो टू पर, यहाँ पे टाइप करेंगे आप वही वैल्यू 001 4TF फिर 0 और फिर आपको इंटर कर देना है। तो ये जो मेरा कर्सर है सेम वैल्यू पर आ गया, जो वैल्यू यहाँ इसके लास्ट एंड पर है उस पर मेरा ये कर्सर आ गया। अब इसके आगे की जो भी फाइलें हैं वो सब हमारे काम की नहीं हैं, उन सब फाइलों को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, इसे डिलीट कर देंगे। फिर से मैं जाता हूँ, यहाँ तक की फाइलें हमारी सभी काम की हैं, इसके नीचे की फाइलें ये जो 002 है इन सब को हमें डिलीट कर देना है। तो देखते हैं कैसे डिलीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं इसके बाद के जो डेटा है अपना उस सब को हम हटा देंगे। ये हमारा ओरिजिनल बायोस है, इसको फिर एक बार फिर से मैं ड्रैग करता हूँ। फ्रंट पॉइंट दोनों का सेम है, यहाँ से आप देख लीजिए, इसको भी आप देख सकते हैं, ये इसका 8x0 8x0, एंड पॉइंट इसका 001 4TF0। फिर इसके बाद इसमें भी फ्रंट एंड इसका ये है, और हम जाएंगे अब जैसे इसका एंड ये है एंड पॉइंट, तो इसी एंड पॉइंट में हमको इस बायोस में जाना है, इस बायोस फाइल में। तो यहाँ पे टाइप करेंगे, ये अपना एंड पॉइंट इसका था ओरिजिनल बायोस का, यही हमने यहाँ पे ये टाइप किया और ओके किया, एंड पॉइंट पर अपन पहुँच गए। अब इसके बाद का जितना भी डेटा है उन सब को हमको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट बटन पर दबा देना है, तो हट जाएगा पूरा डेटा। सिलेक्ट करके डिलीट बटन रख देना है हमें, यहाँ पर प्रेस करके डिलीट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारा डेटा मैंने जो मेरी वैल्यू थी उसके बाद का डेटा, एंड पॉइंट की वैल्यू थी उसके बाद का डेटा, ये मेरी एंड पॉइंट की वैल्यू है ओरिजिनल बायोस की, और इसके एंड पॉइंट की वैल्यू मैंने सेलेक्ट की। अब मैं डिलीट बटन प्रेस कर देता हूँ तो ये सारा ख़राब डेटा हट जाएगा और ये हमारी ओरिजिनल बायोस की ही तरह ये बायोस तैयार हो गया। क्योंकि जब बायोस करप्ट होता है तो उसका साइज नहीं कम होता, उसकी फाइल चेंज हो जाती है, फाइल टाइप चेंज हो जाता है, जिस कारण से वो काम करना बंद कर देता है या कुछ फाइलें मिसिंग हो जाती हैं, जबकि बायोस का साइज कम नहीं होता।
ये नया बायोस मैंने बना लिया है, अब इसको बायोस पे जाके फाइल पे जाऊंगा, फाइल पे जाके सेवाइज करूंगा इसको। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ HP पवेलियन NG4 13 03 AU। और इसकी मैं लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ डेस्कटॉप पर, आप भी देख सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद बाहर आ जाता हूँ। ये मेरी बायोस फाइल जो मैंने अभी बनाई है ये सेव हो चुकी है। ओके वेल फ्रेंड्स, तो देखिए ये मेरी बनाई हुई फाइल है बायोस, जो अभी मैंने आप एक्स एडिटर सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया है। इसकी प्रॉपर्टीज मैं चेक करता हूँ तो 2 MB 297,152 बाइट्स की ये फाइल है। और ये तो मैं अभी मैंने बनाया हुआ है एक्से फाइल से एक्सट्रैक्ट करके, जो फाइल थी बिन फाइल उसको हेक्स एडिटर में ला के उसकी जो ज़रूरी फाइलें नहीं थी उनको हटा करके मैं नया बना दिया हूँ फाइलें। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप फाइल के एक्सटेंशन कुछ भी दीजिए, चाहे बिन दीजिए चाहे MD दीजिए, बस EXE मत दीजिएगा, बाकी और कोई भी फॉर्मेट दीजिए, फॉर्मेट से कोई लेने देना नहीं इस बायोस फाइल का। और ये मेरी ओरिजिनल बायोस फाइल थी जो करप्ट हुई है, जिसको मैंने रीडर के थ्रू निकाला है। इसका साइज भी चेक कर लेते हैं, तो इसका साइज भी सेम है, इसका साइज भी सेम है। तो अभी जो फाइल हमने बनाई है उसको आप बायोस कॉपियर के थ्रू बर्न कर सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला सिर्फ HP और लैपटॉप के लिए का वर्किंग करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।